मुनावर फारूकी ने अपना भविष्य जानने से मना कर दिया। जिस चीज़ को सुनने देखने के बाद हेटर्स को एक और मुद्दा मिल गया और हेटर्स ने मुनावर फारूकी के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने यही बात बोला कि मुनावर फारूकी एक बार फिर से दूसरे धर्म की बेइज्जती कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और उसने यही चीज़ जो है वहाँ पर की है और वो पहले भी करता हुआ आया है। तो चलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिख हूँ और मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ और आई होप आप लोग भी सब धर्म की रिस्पेक्ट करते होंगे। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, वो ही लोग हैं जो कि मुनावर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सबके भविष्य के लिए ज्योतिषी जी वहाँ पर आए और उन्होंने सबके भविष्य जो है बताए कि भाई आप क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जो है मुनावर ने वहाँ पर बहुत रिस्पेक्टली ये बात बोला कि आप मुझे पर मुझे भविष्य जानने की इजाज़त नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं है इजाज़त? उनका धर्म जो है वो अपने धर्म को बहुत मानते हैं, वो मुस्लिम हैं और उनके धर्म में यही चीज़ उनको बताई गई है कि जो भी भविष्य है वो सिर्फ अल्लाह को पता है और अल्लाह ही जानता है। तो आप कभी भी वो भविष्य जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको वो भविष्य जानना ही नहीं है जो ऊपर वाले को पता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने अल्लाह की मर्जी को अपना जो है उन्होंने सही समझा और उस चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने रिस्पेक्टली जो है जोशी को यही बात बोली कि आप मुझे माफ़ कीजिए पर मुझे मेरा भविष्य जानने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने वहाँ पर किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, पर अपने रिलीजन की, अपनी बातों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी कोई किसी धर्म में होता है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी होते हैं, हिंदू होते हैं, उनके धर्म में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं और जब हम लोग फॉलो करते हैं तब हमें काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मुनावर फारूकी भी अपने धर्म को जस्ट फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आयशा खान भी मुस्लिम है पर उसने धर्म जानने की कोशिश की क्योंकि वो चीज वो मानती नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने या मुनावर ने जो है उस चीज की डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। भाई मेरे को तो नहीं लगता। और जो लोग ये चीज मानते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मुनावर ने डिसरिस्पेक्ट की है, वो लोग एक्चुअली में धर्म के नाम पे जाति पाति के ऊपर जो है काफी सारे मुद्दे बनाते हैं और इसी में अटके रहते हैं और दूसरों को भी इसमें काते हैं। भाई आगे निकलो, थोड़ा ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, थोड़ा इंसानियत दिखाओ। ऊपर वाले ने भी हमें सबको इंसान बना के भेजा, जात पात जो भी है वो हमने यहाँ पर आके बनाई है। अल्लाह भगवान वाहेगुरु सब एक है, कोई अलग नहीं है। किसी को भी किसी भी तरीके से आप मान लो, पूज लो, आप दुआ कर लो तो वो ऊपर वाला सुनता है। दरगाह में जाके भी दुआ करोगे तो वो भी सुनेगा क्योंकि उसी के पास पहुंचनी है वो बात। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।